तो भाई ये अपनी खड़ी गई अप्सरा, तभी मैंने इसका मतलब दोनों टायर सॉरी एक टायर खोला था कि बहुत डिस्टर्ब आवाज़ कर रहा है, तो मैं एक बार राउंड लेके देखता हूँ तभी आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो करते हैं ऑन। एक छोटा सा मतलब राइड कर गया हूँ बेसमेंट में ही। अभी कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, वो हल्का हल्का सा कर रहा है। पहले तो मतलब जब चलता था ना घर घर की आवाज़ आती थी। ये भी जाम घूम रहा था तो अभी फ़िलहाल तो ठीक हो गया यार, ये बहुत ही अच्छा चल। तो भाई अभी मैं बता रहा था कि अब थोड़ा भी आवाज़ नहीं कर रहा है भाई। अब दुकान पे जाता मैं कम से कम 20-30 जो भी लेना था वो ले लेता भाई। तो मैं इसका खुद ही अपने हाथ से जो भी जितना होता है ना मैं अपने हाथ से कर लेता हूँ भाई, दूसरे के भरोसे में बिल्कुल भी नहीं रहता। हाँ मेजर सर्विस होती है तो खैर दुकान से ही करा लेते हैं, बाकी अपना तो भाई इससे अपना हाथ है, अपना बोलते हैं ना अपना हाथ होता है भाई। तो भाई अभी कुछ टाइम पहले हम लोग गए थे खाटू श्याम, उसका मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि जो मेरा गोप्रो था ना वो एक तो डिस्चार्ज हो चुका था, अचानक में प्लान बन चुका था तो गोप्रो भी पूरा डिस्चार्ज हो गया। थोड़ा बहुत तो वीडियो बना था तो मैं सोचा थोड़ा वीडियो कैसे मैं डालूं यार, न वीडियो का एंड हुआ ना कुछ, फिर इसलिए उसको छोड़ दिया मैं। तो जो कि मुझे इधर से और उधर से टोटल 500 किलोमीटर पड़ गया, तो 500 किलोमीटर में पिलियन बैठ के गया हूँ भाई। तो बोलते हैं R15 में पिलियन कम्फर्ट नहीं है, तो भाई मैंने अभी हाल ही में वीडियो डाला है उसमें मैंने बताया भी है कि पिलियन कम्फर्ट के लिए आपको एकदम स्ट्रेट बैठना पड़ेगा। अगर पीछे वाला, जैसे मैं आपको बैठ के बता देता हूँ, अगर पीछे वाला आपका ऐसे चला रहा है बाइक तो उसको बैठने दो, अगर आप उसके ऊपर मतलब झुक के रहोगे ना लत के रहोगे तो फिर उसे भी दिक्कत होगी और आपको तो दिक्कत होगी, पूरा एक कमर दर्द करने लगेगा। अगर हाँ अगर आप पिलियन मतलब जा रहे हो तो एकदम ऐसे बैठो, न कि ऐसे बैठो, अगर ऐसे बैठोगे तो भाई पूरा कमर और पैर दोनों बहुत दर्द करेगा भाई। तो एकदम मैं स्ट्रेट बैठ के गया था भाई, ठंडी में स्ट्रेट बैठ के जाना पूरा, एक तो जो आगे वाला होता है उसका तो मतलब सीधना आता, बाकी जो हवा है ना पूरा आपके ऊपर आती है। फिर भी मैं बैठ के गया, पूरा हेलमेट और भाई पूरा कवर कर गया, इतनी ठंडी में पूरा कवर करके ही जाया करो कि थोड़ा भी ठंडा ना लगे। और भाई पैर एकदम जाम हो गया था भाई, हम लोग का पूरा पैर जाम हो गया था। और जब हम लोग खाटू श्याम पहुँचे ना कि पार्किंग से लेके मतलब मंदिर के थोड़ा सा 100-150 मीटर की दूरी पे पार्किंग थी, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके वहाँ से हम लोग दौड़ते हुए मंदिर गए थे क्योंकि पूरा पैर जाम हो गया था, सुन्न हो गया था, मतलब ये हो रहा था ना पैर जाम, चला नहीं जा रहा था। तो हम लोग दौड़ते हुए इसलिए गए कि थोड़ा पैर खुल जाए, थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन हो, इसीलिए हम लोग दौड़ के गए थे। बाकी भाई कोहरा उस उधर से हम लोग चले थे कितने बजे, 10-10:30 बजे के समथिंग चले थे, 11 बजे के समथिंग चले थे, हाँ 11 बजे के समथिंग चले थे, 11 बजे के समथिंग चले थे। हम लोग रूम पे पहुँचे थे 3 बजे, हाँ 3 बजे मैं 3:08 पे रूम पे इंटर हो गया। और मेरा दोस्त था वो अदर लोकेशन पे रहता है तो उसको मैं पौने तीन बजे के समथिंग उसको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। तो मैं बस अपनी बाइक को 40 किलोमीटर चलाया हूँ धारूहेड़ा से लेके और गुड़गांव तक, बाकी जितनी भी मतलब राइड थी वो मेरे फ्रेंड ने किया है। और हाल ही में उसने अपाची गाड़ी ली है तो मैं उसका एक वीडियो आपको दे दूंगा, उसका रिव्यू फीडबैक क्या है कैसा चल रहा है सारा मैं वीडियो आप लोग को उसका दे दूंगा भाई, वो तो अपनी गाड़ी है कभी भी ले सकते हैं उसका रिव्यू। बाकी अचानक में उसकी जो बाइक ली है ना वो अचानक मिली है, मतलब कोई प्लान नहीं था बाइक लेने का तो उसने अचानक मिली है मुझे। मैं दूसरों को सरप्राइज करता हूँ, उसने मुझे सरप्राइज कर दिया, बट बहुत खुशी हुई कि कभी कभी उसको यार लेने मतलब जाने के लिए खुद जाना पड़ता था, अब उसके पास भाई गाड़ी आ चुकी है खुद आएगा मिलने के लिए। तो बस हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ट्रेंगल वाले इंडिकेटर लगवाते हो तो भाई ए वाले जो इंडिकेटर है ना
खैर ये तो ठीक ही है, लेकिन इसके साथ ना पीछे एक तो इसका जो यहाँ इंडिकेटर रहता है ना, तो पूरा इसका होल मोटा है, तो जो होल है ना उसमें बैठता नहीं है ये। तो अलग से इतना बड़ा वाशर, कम से कम डेढ़ डेढ़ इंची का वाशर पीछे आपको टाइट करना पड़ता है। तो आप जब भी लगाओ तो आप डेढ़ इंची का वाशर इसका ले लेना, अगर शॉप पे मिल जाए तो, हार्डवेयर की शॉप में मिलना तो चाहिए, मिल जाता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि मेरा जब खाटू श्याम गया था तो फ्यूज़ भी, मतलब जो फ्यूज़ था ना लाइट का, तो उसका उड़ चुका था। तो भाई लाइट का जो फ्यूज़ उड़ा था ना, बहुत ही मतलब दिक्कत कर दिया था, जिससे मैंने अपना चार्जर और फोग लाइट ये कुछ नहीं जल रहा था। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आप जाके वो चेक कर सकते हो। तो इसका जो एक फ्यूज़ ख़राब था, मैंने अभी तक लिया नहीं है, कल मुझे हो सकता है तो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं फ्यूज़ लूँगा, मतलब दो तीन फ्यूज़ एक्स्ट्रा ही ले लूँगा। इसमें दो दो फ्यूज़ तो एक्स्ट्रा रहता ही है, तो जो मेरा फ्यूज़ वो ख़राब है उसको तो मैं निकाल फेंकूँगा, उसकी जगह एक और एक्स्ट्रा जो डाल दूँगा। बाकी एक दो फ्यूज़ मैं अपने बैग में या फिर पर्स में तो नहीं, बैग में रखूँगा। पर्स में रखोगे यार फ्यूज़ मुड़ जाएगा, तो आप उसमें मत रखना। और बस भाई, अगर आप भी R15 लवर हो तो ये चीज़ याद रखना, एक तो ये पिलियन के लिए तो गाड़ी बनी नहीं है, मतलब छोटी मोटी राइड के लिए तो खैर कोई बात नहीं, बैठा सकते हो। अब बाकी लॉन्ग राइड पे जाते हो तो जो मैंने बोला है, एकदम पिलियन अगर स्ट्रेट बैठेगा ना तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं 500 किलोमीटर चलने के बाद। बाकी मैं अप्रैल में जाने वाला हूँ गाँव, हो सकता है मैं बाइक से ही जाऊँ। अगर मैं बाइक से जाऊँगा तो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी टेल चेंज कराने के लिए यार काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ टेल चेंज कराऊँ, लेकिन चेंज नहीं करा पा रहा हूँ। और ये जो है टेल टाइडी अपना इंडिकेटर जैसा कि मैंने डाला था कि इंडिकेटर भी टूट गया था, तो अभी वो टेम्परेरी मेरा चल रहा है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जैसा कि देख सकते हो, मेरे पास अगर टाइम रहता ना तो मैं बेसमेंट में ना होके कहीं पार्क वगैरह में, जहाँ मतलब अच्छी लोकेशन हो वहाँ पर जाकर मैं वीडियो बनाता, ना कि पार्क यहाँ पर पार्किंग में। भाई अगर टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो यहीं पे थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लेता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय श्री राम।